नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज के भंडारण के बारे में कि हमें प्याज का भंडारण किस प्रकार से करना है। दोस्तों, किसान भाइयों को फसल पकाने के बाद में पूरा उत्पादन लेने के बाद में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि प्याज को अच्छे से भंडारण किस प्रकार से किया जाए जिससे कि उसमें सड़न पैदा नहीं हो और वो उचित भाव मिलने पर उसको बेच सके या तब तक उसको रोक सके। दोस्तों, तो उसके बारे में आज संपूर्ण वीडियो हम बनाने वाले हैं। उससे पहले यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आप हर जानकारी से अवगत हो सके। दोस्तों, तो हमें सर्वप्रथम प्याज भंडारण के लिए ईंटों की आवश्यकता होगी, तो हमें चार चार ईंटों का चट्ठे जमा लेने हैं जिससे कि हमारी जाली जमीन से 8 इंच ऊपर हो जाएगी। 2 ईंट के ऊपर 2 ईंट फिर जमा लेंगे जिससे कि हमारी जाली उसके ऊपर टिक जाएगी। दोस्तों, तो आपका रूम हो या हाल हो उसमें आपको अच्छे से ईंटों को जमा लेना जिस प्रकार से आप देख रहे हो। दोस्तों, और यदि आपका रूम है तब तो आपको कोई बात नहीं है, और यदि आपका हाल है जिसमें कि कुछ साइटों में दीवारें नहीं होगी और कुछ साइटों में दीवार होगी तो दीवारें उस साइट तो कोई बात नहीं, और जिस तरफ दीवार नहीं है उस तरफ आपको इस तरह से प्लास्टिक लगा देनी है जिससे कि हवा उस तरफ से पास नहीं होगी। और उसके बाद में दोस्तों, आपको जिस तरफ दीवार नहीं है उस तरफ चद्दर की या फिर कट्टी, जो अपने नेट की कट्टी होती है, उसकी सहायता से आप उसको दीवार बना सकते हो। दोस्तों, जिससे कि उधर से हवा पास नहीं होगी और प्याज भी जाली पर टिकी रहेगी। दोस्तों, फिर आपको जाली को अच्छे से बांध देना है ऊपर ईंटों के ऊपर डालकर, और उसके ऊपर आप 1-6 फीट की जाली को काट कर एक गोलाई बनाकर एग्जस्ट पेंट के लिए वो गोलाई का पिंजरा तैयार कर सकते हो, और उसको भी अच्छे से आपको जाली पर नीचे जो अपना GI वायर होता है उससे 3-4 जगह अटैच कर देना है जिससे कि वो उसके ऊपर टिका रहेगा, और इसके माध्यम से ही हम एग्जस्ट फैन की जो हवा होगी उसको जाली के नीचे डालेंगे और वो अपने प्याज में होकर ऊपर आएगी जिससे कि उसमें सड़न पैदा नहीं होगी, और यदि कोई प्याज सड़ता भी है तो वो वहीं सूख जाएगा, दूसरे प्याज को सड़न पैदा नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों, जाली डल जाने के बाद में आसपास कट्टों की दीवार कर दीजिए जिस तरफ दीवार नहीं है, और यदि रूम है तो आपको कोई दीवार करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको प्याज को धीरे से डालना है। दोस्तों, उसकी पत्तियां नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल ही आसानी से जाली के ऊपर डालना है आपको, उसमें जरक नहीं लगने देना है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, और आपको ऐसे करते करते पूरे होल को धीरे धीरे ऐसे एक साइड से भरना है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और उसमें दोस्तों, आपको बीच बीच में फिनाइल की जो गोलियां आती हैं वो भी बीच बीच में डालते रहना है जिससे कि जो कीड़े मकोड़े अंदर प्याज को सड़न पैदा करने वाले जो कीड़े मकोड़े प्याज के अंदर आते हैं वो उसके आसपास नहीं आएंगे जिससे कि सड़न पैदा नहीं होगी। दोस्तों, और प्याज की क्वालिटी का दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी का प्याज लेना है जिसमें कि डिस क्वालिटी का प्याज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही मीडियम साइज और बड़ी साइज़ का प्याज, एक समान साइज़ का प्याज होना चाहिए जिसमें कि डंडी वाला प्याज और जो जोड़ वाला प्याज होता है वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दोस्तों, और आपको एक सार प्याज का दोस्तों एक साइड से बिल्कुल ही अच्छे से आपको भंडारण करना है। दोस्तों, तो आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका कोई क्वेश्चन या प्रश्न या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो। दोस्तों, आपके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा और आपके सुझावों का स्वागत भी किया जाएगा। दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरे हाल को भर सकते हो जिससे कि प्याज लंबे समय तक उसमें टिकी रहे। दोस्तों हमारा चैनल पर देश किसान हमारे किसान जो चैनल है उसके ऊपर शुरुआत प्याज की फसल की जो नर्सरी होती है तैयार करने से लेकर हार्वेस्टिंग और भंडारण तक की संपूर्ण जानकारी, और साथ में जो दूसरी फसलें होती हैं अपने गेहूं लहसुन सब की जानकारी दोस्तों इसके ऊपर डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हो दोस्तों, और आपका वो अनुभव हो वो भी आप उसके साथ साझा कर सकते हो। दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।